नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी पब्लिक रिएक्शन बैंक। और आज हम बिहार के एक मोहल्ले में स्थित है और यहाँ जो लोग हैं आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन हो सकते हैं वो चेहरा जो इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आइए जानते हैं जनता की राय, क्या लग रहा है कौन होंगे 2020 में बिहार का अगला मुख्यमंत्री या फिर किसको होना चाहिए। अब जो काम अच्छा करेगा, जो पार्टी करेगा उसको वैसी होगा। 15 साल नीतीश कुमार का होने जा रहा है बिहार में, क्या विकास दिख रहा है बिहार में आपको? बिहार में पुल पुलिया खाली यही बना रहे हैं लोग, उसके अलावा कोई विकास नहीं। तो क्या चाहिएगा, फिर से मौका दे नीतीश कुमार को या फिर बदलाव की बदलाव चाहिए। हाँ। तो बदलाव हो तो फिर कौन आए तो जनता ऐसी करेगा इसका। जनता मतलब हाँ, ये हाँ, करेंगे हाँ। चलिए, कोई ना कोई तो बदलेगा ही, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा विकास हो रहा है होम डिलीवरी शराब का और अपराध का। बाकी नीतीश कुमार को कुछ नहीं है, इनका 4 गो भौमो सिंह है, दिन भर खाली भौमो करता रहता है। सरकार इस बार बदलेगी। हाँ, अगर बदलते तो फिर कौन आएंगे जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वही आएगा, या कोई युवा आएगा। हाँ, युवा तो देख लीजिए, एक तरफ आपका आरजेडी से तेजस्वी यादव है, उसके अलावा तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा बिहार में। दूसरा तो कोई है नहीं, दूसरा चिराग पासवान है, फिर वो भी जब जीतेगा बिहार करेगा तो उसे तेजस्वी यादव ठीक है। ओके, अगर तेजस्वी आते हैं बिहार से तो बिहार को क्या फायदा होगा, यहाँ की जनता को क्या फायदा? वो यहाँ पे जनता को फायदा तब होगा जब यहाँ क्राइम पे अपराध पे रोक लगेगा, लोग यहाँ से प्लान करना तब भी कुछ होगा। क्या लग रहा है किसको आना चाहिए बिहार से? यहाँ आने के लिए जो काम करेगा वही अच्छा है, समझे ना। ऐसे तो काम जो है ना कि नीतीश कुमार किए है, सड़क बनवाए, पुल बनवाए, लेकिन जो बिहार में अपराध हो रहा है इसको कैसे निगरानी किया, इसको निगरानी होना चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि जब से नीतीश कुमार आया है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक सुधर गया है। तो गया है, ये भी जानते हैं कि गांव में गांव रोड बन गया है, गांव में गांव पुल बन गया है, सब जगह के थे, लेकिन जो अपराध हो रहा है, माने विवाद हो रहा है जमीन के लिए और लोगों को निर्दोष को मारा जा रहा है, इसके ऊपर माने होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, तो हम तो सोचते हैं आम पार्टी है, ये नहीं, आम आदमी आना चाहिए। आम आदमी? हाँ, बाकी यहाँ पार्टी नहीं है। अच्छा, वहाँ तो इनका सिलेक्शन होता नहीं है। हम तो यहाँ आम आदमी हो जाए दिल्ली के अंदर तो वहाँ अच्छा होगा। यहाँ भी अगर आम आदमी की सरकार बिहार में बनता है तो उससे बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? सब चीज़ फायदा होगा। जैसे बिजली बिल, जैसे दिल्ली में देखिए बिजली बिल है, मैंने कि अपराध वहाँ कम हो रहा है यहाँ की अपेक्षा, तो अपराध तो सब जगह है बाकी यहाँ की अपेक्षा कुछ कम है। और बहुत सा सुविधा है, कॉलेज बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है, बस में महिलाओं को फ्री है, यही सब है। तो क्या आप एक मैसेज देने जा रहे हैं सरकार को कहीं ना कहीं कि आप भी यहाँ फ्री करो इस तरह का कोई मैसेज? नहीं, ये तो हमारा कैसे नहीं होगा, बाकी वहाँ आम आदमी यहाँ आया था ना, इससे बेहतर होगा और सब पार्टी से बेहतर होगा। नीतीश कुमार से क्यों संतुष्ट नहीं? ना, हम संतुष्ट नहीं है। क्यों, क्या वजह है? क्या वजह, कहाँ खाली रोड और पुल छोड़ कहाँ कुछ किया है? हाँ, रोड और बिजली, ये तीन चीज किए हैं, पुल रोड बिजली घर घर तक पहुँचा दिए हैं, और तो कोई खास हमको नहीं बुझा रहा है। और कुछ खास बता दीजिए? ना, नल जल योजना कहाँ है ये पता नहीं है, सप्लाई का पानी ही नहीं है, नल और जल कहाँ है दिखी नहीं रहा आपको, दिखा कहीं पर? पर कुछ लोग का मानना है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं घर घर तक नल पहुंच गई है। नीतीश जब से आए तक पानी पहुंचा, 12 बजे रात तक शराब की होम डिलीवरी हो रही है। चलिए, आप चाह रहे हैं कि इस बार जितना मांझी जितना मांझी चाहिए। चलिए।